अगर आप अभी भी सक्सेस की तलाश में हैं और वो आपको नहीं मिल रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा और आज अच्छीखबर.com पर मैं आपसे बात कर रहा हूं मोटिवेशन और हैबिट के बारे में। फ्रेंड्स, अक्सर कुछ पढ़कर, कोई वीडियो या मूवी देखकर हम बहुत एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने गोल्स अचीव करने के लिए सुपर मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, पर इसका असर कुछ समय बाद ही चला जाता है और हम वापस अपनी पुरानी रूटीन पर लौट आते हैं और फिर से वही जिंदगी जीने लगते हैं जिसे हम हमेशा से जीते आए हैं। यानी हमारी मोटिवेशन जल्द ही मर जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो जोश ठंडा पड़ जाता है। 3 दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना वापस 8 बजे तक सोने में बदल जाता है। जब मोटिवेशन बढ़ जाती है तो कुछ दिन तक चली 10-10 घंटे की प्रैक्टिस वापस 3-4 घंटे पर आकर अटक जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो हम हमारे बेस्ट वर्जन से वापस अपने मीडियोकर वर्जन पर लौट आते हैं और मोर ऑफन देन नॉट मोटिवेशन मरती ही मरती है, चाहे वो हमारी हो या फिर संदीप माहेश्वरी की ही क्यों ना हो। इंसान हमेशा हाईली चार्ज्ड अप और हमेशा हाईली मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज है जो नहीं मरती, एक चीज है जो जिंदा रहती है और वो है हमारी हैबिट, हमारी आदत। मैं कितनी भी देर से सोने क्यों ना चाहूं, किसी बुक का एक पेज जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरी आदत है। मेरी माँ चाहे जितनी बिजी हो सुबह शाम पूजा जरूर करती हैं, क्योंकि ये उनकी आदत है। इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई आदत होगी जिसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आप उसे रोज एफर्टलेसली करते होंगे। वो आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। वो सुबह उठकर जॉगिंग करना भी हो सकती है और उठते ही सिगरेट पीना भी। वो जो भी हो, उसकी लाइफ लंबी होती है। मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। स्टीव जॉब्स की आदत थी कि वे किसी भी चीज़ के अंदर तक घुस जाते थे और उसकी बारीक से बारीक चीज़ को समझ कर ही दम लेते थे। डिटेल्स पर इतनी माइन्यूट नज़र रखने की अपनी आदत के कारण ही वे आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे एक से बढ़कर एक एप्पल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर पाए। सचिन तेंदुलकर की गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर मौसम में घंटों प्रैक्टिस करने की आदत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। जॉब्स को डिटेल्स में घुसने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तेंदुलकर को प्रैक्टिस करने के लिए किसी अच्छे मूड की आवश्यकता नहीं होती थी। ये उनकी आदत थी, ये उनकी हैबिट थी और हैबिट जल्दी जाती नहीं। हैबिट वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इफ एच गोज अ बिट रिमेन्स, इफ ए गोज बिट रिमेन्स, इफ बी गोज इट स्टिल रिमेन्स। हैबिट जिंदा रहती है। और अगर आप अपने सपनों को जिंदा रखना चाहते हैं और उन्हें हकीकत में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको भी कुछ अच्छी आदतों का सहारा लेना चाहिए। कौन सी आदत, ये तो आपको ही सोचना होगा, पर मैं आदत डालने में आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, उसे पढ़ें, ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। तो उन्हें मैं मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्स की ये बात याद दिलाना चाहूँगा। यदि आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए वही करना छोड़िए, कुछ नया करिए, कोई नई आदत डालिए। एंड आई प्रोमिस यू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बनाई हुई एक छोटी सी आदत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारी लाइफ इस कदर बदल सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जहां आप अपनी करंट सेट ऑफ हैबिट्स के साथ यहां से यहां पहुंचते, वहीं एक अच्छी आदत डालकर आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। सोचिए वो कौन सी एक आदत हो सकती है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती है। क्या वो सुबह जल्दी उठना है या रोज 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करना है या कुछ और। क्या है वो एक आदत जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा सकती है। और एक बार उस आदत के बारे में डिसाइड कर लिया तो उसे डालने के पीछे जी जान लगा दीजिए। ये आसान नहीं होगा। जैसे आदत जल्दी जाती नहीं वैसे जल्दी आती भी नहीं। आप बार बार फेल होंगे, लगेगा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार मत मानिएगा, क्योंकि एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल पाए ना पाए, एक हैबिट आपकी लाइफ ज़रूर बदल सकती है। इसलिए याद रखिएगा मेरी बात, मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, एक अच्छी आदत डालने की कोशिश ज़रूर करिएगा और वो पड़ जाए
तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।